नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक्सरसाइज 1C करा रहे थे रेशनल नंबर की, ठीक है, क्लास 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर को जो सॉल्यूशन करना है, 8 का फर्स्ट 7/4 इंटू 5/8 प्लस 1/2, इसको सॉल्व जो करना है वो किस प्रॉपर्टी से करना है, ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इस प्रॉपर्टी यूज करके बनाना है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना। ओके, लेट वी स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, लेट वी स्टार्ट। इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है, पहले इसमें इसमें होगा और इसमें भी होगा। अच्छा, पहले इसमें कर लो, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें पहले इसमें करते हैं फिर इसमें करते हैं, तो इस चीज का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 5/8 मल्टीप्लाई 7/4, जो साइन लगा वो साइन लगा देते, 1/2 मल्टीप्लाई 7/4, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। अब सॉल्व कर लेते हैं, थर्टी फाइव सेवन फाइव था, 4/8 था 28, ओके, 7/8, 28 और 8 का एलसीएम लेंगे तो दोनों में 8 से डिवाइड हो रहा था, दोनों में 8 से डिवाइड, तो 8 से डिवाइड दे सकते, 4/1 एलसीएम हमारा 28 ही आ जाएगा, ठीक है, कि थर्टी टू आ गया, तो 8 के टेबल में 32 आता है, तो हमारा 32 ही एलसीएम हो गया, 32 बन गया 1, 35 × 1 प्लस 7, 8 4 गया तो 4 का मल्टीप्लाई 35 प्लस 28/32, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 5/8 13 और 6/1 32, ये हमारा आंसर आ गया। किस चीज से आया हमारा मल्टी डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, -3/7 × 4/7 प्लस -11/7, ओके, ठीक है, वही काम इन दोनों का, 4/7 × -3/7 प्लस -11/7 × -3/7 मल्टीप्लाई करती हूँ, 12/49 पूछो क्यों, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 30/49, 49 हमारा एलसीएम हो गया, -12 + 30, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 20/49, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3/4
7, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बुक के रिकॉर्डिंग या क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग तो भेज दिया करो, ठीक है। कुछ दिनों के बाद लाइव क्लास भी लाएंगे, बस थोड़ा ये सेटअप बन जाए, लाइव क्लास और ये बुक वाला सिस्टम खत्म कर देंगे। हमारा प्रोजेक्टर आने वाला है कुछ दिनों में, प्रोजेक्टर आते ही सारे क्वेश्चन ना बोर्ड पे शो करेंगे सारे, यहाँ पे साइड में क्वेश्चन चलेंगे, इधर मैं सॉल्व करूंगा, जिससे ना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की, ओके, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एट का, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एट का, ठीक है। माइनस 2/5, माइनस 3/8, माइनस 25। चलो कैसे करते हैं भाई, प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिव माने मल्टीप्लाई करना, सॉरी 3/8 मल्टीप्लाई माइनस 2/5 माइनस 25 माइनस 2/5, ये हमारा माइनस 6/40, ओके। इधर सॉल्व भी कर लेते हैं, 4 माइनस 3/20, ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये बचेगा प्लस प्लस 5 5 5 10, प्लस का 10 हो जाएगा, पूछोगा यहाँ 5 बचेगा, 5 2 10, ठीक है। अब एलसीएम करते हैं 20, यहाँ 1 मानेंगे तो माइनस 3, 20 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 200, ठीक है, 200 हो जाएगा, लिख दे रहे कंफ्यूजन है, 10 × 20 यानी कि माइनस 3 प्लस 200/20, ये हो जाएगा हमारा 1 + 197/20। हाँ और कोई मिस्टेक तो नहीं है, माइनस 3 बोल पाया है, हाँ कोई नहीं, सही है ये, ठीक है। आंसर सही है, ठीक है, सारे आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। अभी तक कुछ समझ में ना आए तो इस वीडियो में तो बता नहीं सकते, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी अब ना समझे तो बता दे, दोबारा मैं समझा दूंगा उस चीज को, ठीक है। बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो अगर मेरी नजर में आता तो मैं दोबारा से करवा दूंगा, सॉरी पता नहीं क्यों ठीक हो रही। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 6 दूसरा माइनस 23 थर्ड 11/20 फोर्थ माइनस 19/16 5 माइनस 11/-5 6 माइनस 7/8
ठीक है, सेवन माइनस फाइव, फोर अपॉन फाइव इंटू फिफ्टीन अपॉन एट, एट जीरो टू अपॉन नाइन, ये पुरानी बुक है, टीवी को उसी बच्चे के लगे हुए हैं, पुरानी बुक है, ठीक है। क्या बनाना है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, उल्टा कर दो बस इसका, उल्टा करना बस, ये बस, ये देखो ये पहले प्लस का होगा फिर उल्टा होगा, ये घटेगा, ये देखो टू बार ये थ्री बार, यानी कि थ्री अपॉन टू आएगा भाई, टू अपॉन थ्री हो जाएगा, इसका जीरो का जीरो हुआ था, जीरो को कोई नहीं होता इनवर्स, ये तो क्वेश्चन हो गए। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी करा दे रहे, कोई दिक्कत है, सिंपल है, बस कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी चीज है उसको वन अपॉन में, ये नीचे वन होता है, इसको बस ये ऊपर चला जाता और ये नीचे आ जाता, बस कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया मेरा इनवर्स, ठीक है। नंबर टेन, ठीक है, माइनस टू अपॉन फाइव इंटू वन बराबर माइनस टू अपॉन फाइव, माइनस थर्ड माइनस वन अपॉन फोर इंटू फोर बराबर वन, सिक्स अपॉन सेवन इंटू टू अपॉन थ्री माइनस फोर अपॉन फाइव, जीरो माइनस सेवन अपॉन एट, ये गलत है, जीरो गलत, ये मैंने गलत लिखा, ये सेवन की जगह हमारे लगता फाइव होगा, ये आई थिंक यहाँ गलत है, ठीक है, प्रॉपर्टी सेट नहीं हो रही। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी होती है, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, जीरो प्रॉपर्टी दी है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन का मल्टीप्लाई हो रहा वही सेम, प्रॉपर्टी ऑफ वन मतलब ये वन होता है, ये जीरो होता है, ठीक है, हो गई। अब ये हमारा कौन सा, हमारा ये हो रही मल्टीप्लीकेशन, मतलब फोर से फोर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होती क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होती है हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जीरो से इधर, इधर से हमारा कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में था, देखो जीरो को मल्टीप्लाई जीरो आ रहा तो जीरो प्रॉपर्टी, वन का सेम मल्टीप्लाई हो गया इतना आ रहा, बस कट रहा है तो हमारा मल्टीप्लीकेशन चेंज हो रहा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सॉल्व होके ही आ रहा हमारा,
क्वेश्चन नंबर, अब डिवाइड के ऊपर, डिवाइड पे सॉल्व करेंगे, डिवाइड थोड़ी ये क्वेश्चन अच्छे हैं, डिवाइड डिवाइड पे बात करेंगे। डिवाइड का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा 5/9, ये 22 और ये 50। तो डिवाइड की बात करें, डिवाइड का सिंबल हमारा क्या होता है ये, ठीक है ध्यान रखना। तो 5/9 तो डिवाइड का साइन बनाएगा, वही डिवाइड हो रहा 5, 15 नीचे हमेशा 1 माना जाता, कोई भी नंबर हो, एवरी नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो वो सब रेशनल नंबर में आता है, क्योंकि उसके नीचे 1 होता है, ठीक है ये याद रखना। तो जब भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला नीचे आ जाता है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 5, 15 नीचे आ जाएगा, तो इसे काटेंगे 3 बार हमारा आ जाए 27, ये हमारा आंसर आ गया 27, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 7/18 / -14/15। तो रूल 7/18 डिवाइड बाई 15/14/51। 7/18 इंटू में चेंज करे तो 51 ऊपर 14 नीचे है, ठीक है, कटेगा खुशी से नहीं कटेगा ना, सही नहीं कटेगा, और कुछ कट रहा है, तो 51/36 ये हमारा आंसर, शायद 3 से और कट रहा, 3 से यहाँ ही नहीं काट रहे, कोई दिक्कत तो यहाँ भी काट के निकाल सकते हैं 3 से 1 और 3 से काटेंगे 12, ये भी आंसर हो जाए। अगर यहाँ से डायरेक्ट काट के कर सकते हैं सॉल्व तो यहाँ से कर लो, यहाँ से भी सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो, पहले कर लेते तो ठीक था, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 10/33/2/-11। ये हमारा 10/33/2/-11। 10/33 मल्टीप्लाई तो 11 ऊपर 2 नीचे, ये 3 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, तो 5/3 और एक माइनस है ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन तक चलते हमारे 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4, -18/36/37। तो -18 डिवाइड बाई 36/37, -18 इंटू 37 ऊपर 36 निकला, इसे काटिंग हाँ ये माइनस, ये 2 बार कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए 37/2 आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि तुम्हें लगता है कि हम स्पीड थोड़ा क्यों पकड़े, क्योंकि बार बार इस चीज को करा चुके हैं। अब कोई बच्चा बीच में देखेगा फिर सर बहुत तेज करा दे, सर तो तेज कराएंगे बेटा, सर ने तो इतना स्लो कराया स्टार्टिंग में, एक ही चीज बताई प्लस माइनस, कहाँ प्लस हो रहा कहाँ माइनस, लिखा भी है चीज को, वो तो तेज कराएंगे। अब बीच में आके बोलेगा भाई बहुत तेज करा रहे सर तो कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, पहले आई आप पहले वाले वीडियो देखिए, उसमें सर बहुत स्लो स्लो कराया। ट्वेंटी फोर अपॉन 50 डिवाइड बाई, डिवाइड का साल लगाएगा इसकी जगह 4/75 - अब पता क्या करेगा, डिवाइड फ्रेंड करें इनटू में तो 75 ऊपर माइनस 4 नीचे, ये काटो 2 बार ये 3 बार, किससे अब ये बताओ किससे, 25 से कट रहा है, ठीक है। अब इसे काटोगे 8 बार, सिक्स बार कट रहा, तो -6 - -3 हमारा 10 का
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कराते हैं। दूसरा भी ले रहे हैं माइनस 3/29 डिवाइड बाई 9/87 डिवाइड बाई -1/7। तो देखो अब पहले ऐसे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5/9 इंटू करें 36 ऊपर 15 नीचे, वैल्यू सही है। हाँ सही है। इसको चेंज करेंगे 6 ऊपर -5 नीचे, 3/4 इंटू 6/-5 ये 2 बार कटेगा यानी कि 8/-5 ठीक है। 2 4 8 और 5 5 ये आंसर आ जाएगा ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते -3/29 काट -3/29 इंटू में चेंज करो 87/9 इंटू 7 ऊपर 1 नीचे काटो 29 थ्री क्या होता है 87 ठीक है। ये तो हो गया ठीक है। ये हमारा 3 ये 3 यानी कि -1 भीतर बचेगा और -7 यानी कि +7। क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। हमने बोला था कि एक नई चीज बताएंगे हर बार ठीक है। हमारे वीडियो में हर वीडियो में तुम्हें नई ना नई कुछ ना कुछ जरूर टॉपिक नया मिलेगा लास्ट में ज्यादा टाइम कुछ ऐसा लो अटके। तो आज ना नंबर लाइन के बारे में बताते हैं, नंबर लाइन में होता क्या ठीक है। जो LUMBER नंबर लाइन ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन होती है ओके। ये हमारा 0 हो जाता 1 2 3 4 इधर तो आता ठीक है। ये हमारा प्लस इन्फिनिटी तक जाता है -1 -2 -3 ये हमारा माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है ठीक है। तो जो राइट हैंड पे चलते प्लस हमारी वैल्यू बढ़ती है ठीक है, और माइनस लेफ्ट हैंड पे चलते हमारी वैल्यू घटती है ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज होती है, यहाँ पे माइनस होती है ठीक है। अगर आपसे -4 कह दें और -8 कह दें तो -4 हमारा यहाँ होगा -8 यहाँ होगा, मतलब राइट हैंड के साइड जा रहे तो नंबर बड़ा होगा ठीक है। आप कुछ समझ लो जो यहाँ से 1 से लेके ये पूरा यहाँ तक ये हमारा होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ठीक है ओके। और जो यहां से यहां तक 0 भी इंक्लूड है वो जो होल नंबर ठीक है। यहां से यहां तक माइनस इंटीजर्स होते ठीक है। और यहां से यहां तक इसको ही बोलते और मतलब या पॉजिटिव इंटीजर कर लिखी मैंने INTE और होता INTEGER ठीक है। तो एक प्लस होता है इसको बहुत इम्पोर्टेंट, ये होता है हमारा 0 इंटीजर, ये खुद का इंटीजर होता है 0 इंटीजर होता है 0 इंटीजर। अगर हम आपसे एक चीज पूछे
माइनस फोर क्या है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इतने वो होल नंबर नेचुरल और माइनस इंटीजर। इतनी चीज होंगे तो न तो नेचुरल नंबर में आता फोर, माइनस में आता ही नहीं, ना होल नंबर में आता, ना पॉजिटिव इंटीजर, नहीं नेगेटिव इंटीजर। अगर हमसे आपसे कहते प्लस फाइव, होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, देखो फाइव कहां कहां आता है, देखो फाइव हमारा यहाँ आता, फाइव किसमें आता है, इन दोनों में तो आएगी पॉजिटिव, यानी कि नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर में आता, और ये देखो किसमें आ रहा, होल नंबर में, होल नंबर में आएगा। लेकिन जीरो के बारे में बताते, जीरो क्या है, होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। तो देखो होल किसमें आ रहा, होल नंबर में आ रहा, ना पॉजिटिव इंटीजर है, ना नेगेटिव इंटीजर, ना नेचुरल नंबर, किसी में नहीं आ रहा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता कि हमें बताइए एवरी नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर, यस एवरी नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर, यस हो सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस हो सकता है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नहीं एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद जीरो नहीं आता, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप के बन जाते हैं, तो नंबर एक छोटा सा प्रेजेंट बताया था, नंबर लाइन कैसे शो करते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तुम अगर आप फ्री बैठे हो, अगर फ्री बैठे हो सभी लोग, अगर कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, तो मेरे पास एक बुक है, ये मैंने पढ़ ली, टॉपर्स बनने का आसान तरीका, अमरीश भारती, बहुत ही अच्छी बुक है, इतनी अच्छी लैंग्वेज लिखी है, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी है, मैंने इसको पढ़ा है, एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज लिखी है, हर चीज को शुद्ध हिंदी में नहीं लिखा गया है, मिक्स लिखा है, वाई लैंग्वेज समझ लो इसको। तो ये बुक समझ, अगर टाइम हो तो पढ़ना, ऑनलाइन तो मिलेगी नहीं, अगर किसी को पढ़ना हो तो इसका मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, जिसको पढ़नी हो हमसे व्हाट्सएप से पीडीएफ मांग सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर करें, फ्रेंडों को आप बताओ, तो हम और अच्छी चीज वीडियो बनाओ, हर चीज के वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश करूं, आप सहयोग करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, बस ख्याल रखना, ठीक है, जय हिंद जय भारत।